नमस्ते जी, आर्य भारत YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। विषय आज हमारा राधा के ऊपर ही रहेगा, राधा कौन थी भाग 5। पिछली वीडियो की अगर हम बात करें राधा कौन थी भाग 4, तो जो अंध भक्त हैं, जो गुरु घंटालों के चेले हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि आंख के अंधे और गांठ के पूरे हैं, उन लोगों ने कमेंट्स में आकर हमें बहुत बुरा भला बोला है। उनको इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई है कि हमने राधा को लेकर ऐसी बातें क्यों बोली हैं। देखिए, हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हमारा कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। पर बात यह है कि जब आप लोगों के ये गुरु घंटाल, आप लोगों के ये अवैदिक और घटिया पुराण जो ग्रंथ हैं, जब हमारे महापुरुषों को बदनाम करते हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। भगवान कृष्ण के चरित्र पर ऐसे ऐसे कलंक, ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से, तो हम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आप लोगों ने 16,108 उनके साथ औरतें जोड़ दी हैं, उनकी पत्नियां बना दी हैं, और यहाँ तक बोल दिया है कि हर एक पत्नी से 10-10 पुत्र उन्होंने पैदा किए। मतलब हद है, हैरानी की बात है। आपने कभी भी अपने गुरु घंटालों से जाकर ये प्रश्न नहीं किया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपका वो हाल है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु घंटाल था और उसका एक अंधभगत चेला था। तो वो गुरु घंटाल एक बार अपने उस चेले को प्रवचन कर रहा था। गुरु घंटाल ने बोला कि देखो बेटा, एक मछली थी, वह पेड़ पर चढ़ गई। और गुरु घंटाल का वो चेला अंधभक्त बोला, सत्य वचन महाराज। अब आप स्वयं विचार करें, क्या मछली कभी पेड़ पर चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। पर अंधभक्त जो हैं, इनके जो पुराण ग्रंथ हैं, उसमें ऐसी ही ऊटपटांग बातें लिखी हुई हैं। इनके लिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मछली पेड़ पर चढ़ गई, इनके लिए यह भी एक सामान्य बात है। अब देखिए, विषय आज हमारा राधा के ऊपर है, हम तो इस विषय को उठाते ही रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे भगवान कृष्ण को बदनाम किया है, उनके ऊपर कलंक लगाए हैं, जो लांछन लगाए हैं, हम उनको धोने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो हम यह करते रहेंगे। अब देखिए, महाभारत ग्रंथ में कहीं भी काल्पनिक औरत जो राधा है, जिसको कृष्ण के मत्थे पे मढ़ दिया गया है, उसका कहीं भी नाम नहीं है। ऐसे ही विष्णु पुराण में राधा नहीं है, हरिवंश पुराण ले लीजिए, उसमें भी राधा नहीं है। अब इनका सबसे बड़ा ग्रंथ, जिसको जो चोटी का ग्रंथ मानते हैं, जिसकी 10-10, 15-15 लाख रुपए में जो यह गुरु घंटाल हैं, ये कथाएं करते हैं और खूब माल मारते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको ये बोलते हैं, उसमें भी राधा का नाम तक नहीं है। उसमें श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है, बहुत सारी लीलाओं के बारे में बताया गया है, पर आप विचार कीजिए कि वहाँ पर भी राधा का नाम तक नहीं है। क्यों नहीं है? सोचने की बात है। इससे पहले जो मैंने आपको महाभारत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण, ये 4 ग्रंथ के नाम बताए हैं, इन पुराणों में भी राधा नहीं है। इसका साफ और सीधा स्पष्ट मतलब है कि जब यह ग्रंथ रचे गए, महाभारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महाभारत में तो राधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि राधा है ही नहीं थी। पुराणों की बात करते हैं, जो 3 पुराण हैं, इसका साफ स्पष्ट सीधा मतलब है कि तब राधा की कल्पना नहीं हुई थी जब यह पुराण रचे गए। बाद का जो पुराण है, जैसे ब्रह्मवैवत पुराण है, असली लोग घटिया पुराण है, इसमें राधा और कृष्ण के खूब किस्से भरे हुए हैं। अब जिन लोगों ने भागवत पुराण को पढ़ा होगा, वह लोग जानते होंगे कि राधा का वहाँ पे कोई नाम निशान या श्री कृष्ण जी के साथ राधा का कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। राधा शब्द तक भागवत में नहीं आया है। इससे स्पष्ट है कि राधा की कृष्ण के साथ संबंध की कल्पना भागवत बनने तक हुई ही नहीं थी, परंतु बाद में जो भी पुराण रचे गए हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को कलंकित करने के लिए उनके साथ एक प्रेमिका की झूठी कल्पना दुष्ट लोगों ने की, उसका नाम राधा रख दिया। ब्रह्मवैवत पुराण कृष्ण जन्म खंड 4 अध्याय 15 में राधा का कृष्ण के साथ अनुचित प्रेम संबंध विषय भोग का जो विवरण विस्तृत रूप में दिया गया था, उसका वर्णन हम पीछे की वीडियो में कर चुके हैं।
उस विषय को लेकर पुराण कार ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थी। अब उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें एक और चीज लिखी है। उसमें लिखा है कि राधा का उगला हुआ पान कृष्ण ने खा लिया व कृष्ण का उगला हुआ पान राधा ने खा लिया। अब आप सोच के देखिए, व्यभिचार और भ्रष्टाचार की इससे ज्यादा घृणित मिसाल और क्या हो सकती है। मतलब किसी का हम थूक लगा हुआ, उसका निगला हुआ, उसका उगला हुआ जो उसने चबाया हुआ है, एक व्यक्ति अपने मुंह का निवाला निकाल के किसी दूसरे के मुंह में दे रहा है और दूसरे का निवाला अपने मुंह में रख रहा है, उसको चबा रहा है। मतलब कितनी कितनी गंदा ये घटिया है ये। पता नहीं पुराणकार की बुद्धि वो कहाँ तक गिरी हुई थी, कहाँ तक वो घटिया मानसिकता का व्यक्ति था जिसने ये सब बातें लिखी हैं। अब आप एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। इसी प्रकार गोपाल सहस्त्र नाम ग्रंथ में श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा है। अब आप ये श्लोक देखें, अब मैं आपको इनका अर्थ बताता हूँ। पहले श्लोक का अर्थ है, राधा के साथ कृष्ण विषानंद प्राप्त करते थे, राधा को मोहने में तत्पर रहते थे, राधा को बश में रखते थे, राधा के हृदय कमल में भौरे के समान रस लेते थे। दूसरे श्लोक का अर्थ है, कृष्ण जी राधा के आलिंगन में हर्ष प्राप्त करते थे, राधा के साथ नाचते थे, राधा में अत्यंत प्रेम करते थे, राधा को काम फल प्रदान करते थे। यह गोपाल सहस्त्र नाम ग्रंथ में आया है। इन पुराणों से स्पष्ट है कि पौराणिक सनातन धर्म राधा का कृष्ण से व्यभिचार का अनुचित संबंध मानता है और बेशर्मी के साथ पुकार पुकार कर, ढोल पीट पीट कर, राधे कृष्ण राधे गोविंद की आवाज लगाकर अपने पूर्वजों महान यशस्वी और महान विद्वान श्री कृष्ण जी महाराज को व्यभिचारी बताता है। इसमें उसको कोई शर्म कोई लज्जा का अनुभव नहीं होता है। अब देखिए राधा कौन थी, भाग 3 की वीडियो में हमने राधा के कृष्ण के साथ जो पुराणों में, खासकर ब्रह्म वैवत पुराण में जो संबंध दर्शाए गए हैं कि वो भगवान कृष्ण की पुत्री भी थी, मामी भी लगती थी, पत्नी भी लगती थी, ठीक है। इसके अलावा उसी ब्रह्म वैवत पुराण में जो राइन था, राइन की पत्नी का नाम राधा था और वो रिश्ते में कृष्ण का मामा लगता था, परंतु गोलोक में जो उनका रचा हुआ गोलोक है उसमें जो राइन था वो भी भगवान कृष्ण के अंश से पैदा हुआ था। तो अंश से पैदा होने के कारण जो राधा थी यहाँ पे कृष्ण की पुत्र वधू हुई, ठीक है। और इसके साथ ही अब एक रिश्ता और देखिए, इस श्लोक में देखिए आप, इसमें बताया गया है कि दुर्गा ने अपने दाहिने अंग से कृष्ण को व बाएं अंग से राधा को जन्म दिया, अर्थात दुर्गा दोनों की सगी माता थी। एक ही मां के शरीर से जन्म लेने के कारण राधा और कृष्ण दोनों सगे भाई बहन हुए। और इसके बाद भागवत पुराण में राधा को शंकर जी का साक्षात अवतार और कृष्ण जी को पार्वती का अवतार बताया गया है। अब आप यहाँ पे विचार कीजिए कि राधा की उत्पत्ति की अलग अलग तरह की कल्पनाएं ही यह सिद्ध कर रही हैं कि राधा कोई स्त्री नहीं हुई है। यह एक सर्वथा कल्पना के आधार पर मानी हुई फर्जी औरत है। भागवत के बनने के बाद जो पुराण ग्रंथ बनाए गए, उनके बनाने वाले ने राधा नाम की नर्तकी की कल्पना की और उसके कृष्ण जी के साथ प्रेम संबंध की फर्जी कहानियां घर डाली। और जहां पर श्रृंगार रस के कवियों ने श्री कृष्ण जी को यहाँ श्रृंगार रस का नायक बनाया, वहां राधा को श्रृंगार की नायिका बनाकर संपूर्ण श्रृंगार रस की कविता राधा व कृष्ण के कल्पित प्रेम के ऊपर बना डाली। इसके बाद जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो गीता के कृष्ण आपको जोगेश्वर दिखाई देंगे, जबकि पुराण के कृष्ण आपको भोगेश्वर ही दिखाई देंगे। और जब हम भगवान कृष्ण के लिए भोगेश्वर शब्द यूज करते हैं और राधा और कृष्ण के जो प्रेम संबंध, अश्लील संबंध इन पुराणों में दर्शाए गए हैं, जब हम इनके बारे में बातचीत करते हैं तो जो अंधभक्त हैं उनको बहुत मिर्ची लगती है, उनको बहुत दुख होता है, फिर वो अपनी भड़ास निकालने के लिए कमेंट्स में आके हमें गालियां बकते हैं। पर उनको इतनी समझ नहीं आती कि अपने महापुरुषों के साथ जिनको वो प्रेम प्रेम का एक राग उन्होंने रट रखा है, उनको ये समझ नहीं आती कि कितना अश्लील संबंध वहां पे दर्शाया गया है। भगवान महापुरुष कोई ऐसे काम करते हैं, ऐसे घटिया काम करेंगे? इनकी बुद्धि को हुआ क्या है समझ नहीं आता। इसके बाद
राधा के विषय में विचारणीय बात एक और यह भी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कभी राधा नाम की कोई प्रसिद्ध सुंदरी नर्तकी रही होगी। इसके जो नाच गायन इसका समारोह होता होगा उसमें इतनी भारी भीड़ उपस्थित हुआ करती होगी, इतने लोग उसको देखने आया करते होंगे कि रात्रि के समय जो मशाले जगती हैं प्रकाश करने के लिए उसमें 9 मन तक तेल जल जाता होगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि ना 9 मन तेल होए ना राधा नाचे। उस युग में बिजली वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ होगा, प्रकाश के लिए मशाले ही काम में आया करती थी। अब इस कहावत के अनुसार वो नाचने वाली राधा के साथ भगवान कृष्ण के प्रेम संबंध की कल्पना की गई और इन संबंधों के जो गपौड़े हैं, बड़े बड़े जो गप इन्होंने फेंके हैं, वो उन्होंने पुराणों में दर्ज किए गए। पुराणों में अगर नहीं लिखते तो इनकी बातें मानता कौन, और उससे भी ज़्यादा इनकी जहालियत, इनकी घटिया सोच ये है कि इन्होंने उन पुराणों को साबित करने के लिए, अपनी झूठी काल्पनिक कथाओं को साबित करने के लिए ऋषि वेद व्यास उनके ऊपर ये सारा कलंक मढ़ दिया है कि ये पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित हैं। अब इसके बाद राधा और कृष्ण के ऊपर संपूर्ण श्रृंगार रस का साहित्य जो रचा जाना शुरू हो गया और अब तक जारी है, और इसी गंदी कल्पना के आविष्कार का परिणाम यह हुआ कि भगवान कृष्ण महापुरुष जो योगेश्वर थे, इनकी घटिया सोच के कारण वो भोगेश्वर सिद्ध हो गए। अब अंत में हम आपके सामने महाभारत के 2 ऐसे श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं जिनको देखकर आप भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप जान पाएंगे कि वो पुराणों के बताए अनुसार भोगेश्वर थे या फिर महाभारत के अनुसार, गीता के अनुसार योगेश्वर थे। स्क्रीन पर आप ये 2 श्लोक देखिए, इनका अर्थ अब मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने और मेरी पत्नी रुक्मणी ने 12 साल हिमालय के पशर्ब में बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तप किया है, और तब प्रद्युमन नाम का एक तेजस्वी पुत्र पैदा किया है। अब आप सोचिए, इतना संयमी व्यक्ति, 12 साल ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत करने वाला, इतनी औरतों का पति कैसे हो सकता है? कैसे वो एक राधा नाम की एक नाचने वाली जो नर्तकी है उसके साथ कैसे ये प्रेम लीलाएं, कैसे ये गोपियों के साथ, मतलब मूर्खता की हद होती है, पर इन लोगों को कभी भी अकल आने वाली नहीं है। अब इस प्रमाण के आधार पर आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी होता है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, वो योगेश्वर ही रहेंगे। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि हम आप तक सत्य पहुंचाने का जो प्रयास है वो जारी रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे इसी विषय को हम फिर से उठाएंगे, फिर से एक नई जानकारी आपके सामने लेके आएंगे और राधा की पोल निरंतर खोलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, ओम।